हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने वेज मोमोज की रेसिपी। या सो अगर आपको ऐसे ही मेरी मतलब टेस्टी चीज़ों की वीडियोस देखना पसंद है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए देखते हैं मैंने ये अपने वेज और टेस्टी मोमोज की रेसिपी कैसे बनाई है विथ मोमो की चटनी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं वेजीज का मिक्सचर तैयार करूंगी और उसके लिए मैंने लिया है एक बंदा, और बंदा मुझे मार्केट में बहुत मुश्किल से मिला यार। सो उसे मैं कद्दूकस में घिस लूँगी। पहले उसे मैं चार टुकड़ों में काट लूँगी छोटे छोटे, और उसे मैं कद्दूकस में या ग्रेटर में घिस लूँगी। देन उसके बाद मैं प्याज को भी उसी मतलब कद्दूकस में घिस लूँगी। देन उसके बाद मतलब पानी एक मतलब सूती के कपड़े में या मतलब मलमल के कपड़े में उसका पानी मतलब दोनों का निकाल लूँगी ताकि मुझे सूखा थोड़ा बेटर मिले। ज़्यादा भी आपको पानी नहीं निकालना है उसका, ताकि उसका मॉइस्चर रहे। सो या इसी तरीके से मैं मतलब उसका पानी निचोड़ के सब कुछ कर लूँगी रेडी। सो उसके बाद मैं चटनी के लिए मतलब तैयारी करूँगी। सो उस दिन मैंने उबाल की चटनी बनाई थी, और आज मैं बनाऊँगी मतलब कच्ची चीज़ों की चटनी। सो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। सो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे लिया है आधा इंच अदरक और चार से पांच लहसुन। देन उसके बाद लाल सूखा मिर्च जितना आप खा सको कड़वा, और फिर उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसमें काट लिया है, और उसमें नमक डालकर उसे मैं मिक्सर में कर लूँगी ग्राइंड। सो इस तरीके से मेरी चटनी हो गई है तैयार क्विक एंड ईजी। देन उसके बाद जो मैंने मतलब पानी निचोड़ लिया था उसमें मैं ऐड करूँगी दो इंच अदरक के घिसा हुआ, और उसके बाद हरी मिर्च, तो आप जितना कड़वा खाते हो उतनी हरी मिर्च आप डाल लो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी आधा चम्मच पिसा मिर्च, और उसके बाद ऐड करूँगी एक से डेढ़ चम्मच नमक स्वाद अनुसार आपके। देन उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ एक चम्मच अजीनो मोटो। अगर आपको अजीनो मोटो से परहेज़ है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ दो टेबल स्पून डालूँगी रिफाइंड, ताकि मतलब मेरे मतलब वेजीज को थोड़ा मॉइस्चर मिले। देन उसके बाद मैं उसे अच्छे से सब कुछ कर लूँगी मिक्स। सो आपको कर लेना इसी तरीके से सब कुछ मिक्स। सो ये कुछ इस तरीके से रेडी है। देन उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था पहले ही, और उसे मैं यहाँ पे सॉफ्ट कर रही हूँ। देन मैं अब बेलूँगी छोटी छोटी लोई। देन मैंने एक छोटी सी लोई लेके उसे मतलब गोल शेप में कर बेल लूँगी। आपको मतलब ध्यान नहीं देना आपका साइज़ गोल है या मतलब कैसा है, आपको बस बना लेना है। शुरुआत में आपसे नहीं बनेगा, बट ट्राई करते करते हो जाएगा। देन उस पर मैंने एक चम्मच जैसा मतलब भर लिया है, फिल कर लिया है मिक्सर। देन उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिज़ाइन। सो आप देख सकते हो आपको सिंपल क्या करना है, उसे मतलब फोल्ड करना है। देन आपको उसको रख कर उसमें प्लेटें बनानी है, जैसे साड़ी की प्लेटें बनती है उसी तरीके से आपको बना लेना है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूसरी डिज़ाइन। अगर आपको वो टफ लगती है तो ये बहुत इजी है। तो इसमें बस आपको क्या करना है, आपको मिक्सर भरना है। देन उसको आपको एक पोटली की तरह बना लेना है, लाइक मोदक आप बना देखते हो ना कितना ईजी होता है। आपको बस उसमें जो मतलब फिलिंग करना है मिक्सर, देन आप देख सकते हो। सो उसे मैंने गोल करके अपने हाथों के ऊपर से मतलब टॉप को दबा देना है, फिर आपको गोल गोल कर लेना। देन देखिए फिर से मैं पहली वाली डिज़ाइन बना रही हूँ, और आपको करना है फोल्ड। देन आपको देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से कर रही हूँ, आपको बस फोल्ड करते जाना है। एक हाथ से फोल्ड करना है, दूसरे हाथ से दबा देना है, देन आपको ऊपर के टॉप को अच्छे से मतलब दबा देना है। सो मेरी डिज़ाइन हो गई है रेडी। देन मेरे पास मोमो का बर्तन था, तो उस पर मैंने ऑयल मतलब रिफाइंड लगा लिया है। देन मैं अपने सारे जो मतलब मोमोस बनके मैं रेडी हो गए थे उसे मैं इसमें मतलब रख दूंगी, ताकि मैं उसे स्टीम कर सकूं। सो आपके पास अगर मोमोस के बर्तन नहीं है तो आप इजीली छन्नी पे बना सकते हो। उस दिन मैंने आपको चिकन मोमोस पे मैंने आपको बताया था। सो इसी तरीके से मैं मतलब दूसरे बर्तन में भी
पहले रिफाइंड लगा लूँगी ताकि मोमोज चिपके नहीं। सो आपको रिफाइंड लगाना ज़रूरी है ताकि आपके मोमोज चिपके नहीं। सो या इसी तरीके से मैंने मतलब अपने सारे मोमोज रख के रेडी कर लिए हैं और अब करूँगी स्टीमिंग। सो मैंने पानी उबाल लिया था मोमो के सबसे नीचे जो बर्तन है उसमें कर लिया था। सो या मेरे मोमोज रेडी है। सो या ये रहे मेरे मोमोज।